कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 24 बूथों पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों ने कोविड शील्ड और मंडलायुक्त कार्यालय पर फ्रंट लाइन वर्करों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें जिले में कुल 24 बूथों पर 1452 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण में 780 पुरुष और 672 महिलाएं शामिल रही। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 70.7% स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों का आज टीकाकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त कार्यालय पर फ्रंट लाइन वर्करों को कोवैक्सीन का भी टीकाकरण किया गया, जो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। शुक्रवार को हुए दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में भी यह सामने आ गया। राहत की बात यह है कि गोरखपुर में वैक्सीनेशन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से फोन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, आज 5 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों का टीका लगा और आज फ्रंटलाइन वर्कर्स में 144 लोगों का टीका लगा, प्लस हमारे जिलाधिकारी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसएसपी का भी जिला अस्पताल में टीकाकरण हुआ। कुल 1452 लोगों का आज टीकाकरण हुआ। उसमें मेल पुरुष जो है 780 है और महिलाएं 672 रही। कोवैक्सीन कहाँ कहाँ लगा सर? कोवैक्सीन सिर्फ कमिश्नर कार्यालय में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स उनको लगाएगी, जिसमें 144 फ्रंटलाइन वर्कर रहे कमिश्नर के यहाँ, उन लोगों के यहाँ वैक्सीनेशन हुआ। ये सब सभी जो है रेवेन्यू विभाग के रहे। कोई साइड इफेक्ट वगैरह सर कहीं सूचना है, फीडबैक है? किसी भी साइड इफेक्ट की सूचना नहीं है, सब लोग अच्छे रहे।